बीते दिनों भारत इंग्लैंड सीरीज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया था। टीम इंडिया के सबसे धाकड़ खिलाड़ी विराट कोहली सीरीज से बाहर हो गए। बाकी तीन मैचों के लिए भी टीम इंडिया में बड़े बदलाव हुए और विराट कोहली पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हुई। भारत के पूर्व कप्तान विराट ने बीसीसीआई और सीनियर नेशनल सिलेक्शन कमेटी को सूचित किया था कि वो इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के शेष 3 टेस्ट से हट चुके हैं। रिपोर्ट्स में दावा है कि कोहली ने शुक्रवार को बीसीसीआई को इस बारे में सूचित किया। इसी दिन सिलेक्टर्स ने राजकोट, रांची और धर्मशाला टेस्ट के लिए टीम तय करने के लिए ऑनलाइन मीटिंग की। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की शुरुआत में कोहली ने रोहित शर्मा, टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर से बात की थी। तब उन्होंने ये बात कही थी कि देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, लेकिन पर्सनल सिचुएशन के कारण वो सीरीज नहीं खेल पाएंगे। अब इसके बाद बड़ा खबर सामने आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि विराट कोहली इस बार सिर्फ इंग्लैंड सीरीज ही नहीं, बल्कि बताया जा रहा है कि सितंबर तक किसी भी क्रिकेट से वो बाहर रहेंगे। यानी कि खबरों की माने तो विराट कोहली आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो सकते हैं। दरअसल इन खबरों को फिलहाल अभी तूल ज्यादा इसलिए मिल रही है क्योंकि रूमर्स इस तरीके के फैलाए जा रहे हैं। हालांकि असली सच्चाई क्या है वो 2-3 दिन में पता जरूर चल जाएगी, लेकिन फिलहाल जो खबरें हैं वो भारतीय फैंस के लिए मायूस कर देने वाली है। विराट कोहली मौजूदा समय के दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है और उन्हें मैदान पर खेलते देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसे में विराट को लेकर ये खबर सामने आ जाना कि विराट कोहली अब पूरी सीरीज से ही नहीं बल्कि सितंबर तक पूरे क्रिकेटिंग एक्शन से बाहर रहेंगे, ये बात तो तय है कि भारतीय फैंस को काफी ज्यादा ये खबरें मायूस कर रही हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।